अनुशासन हो श्वास हमारी आज्ञा हमारे प्राण रहे। अनुशासन हो श्वास हमारी आज्ञा हमारे प्राण रहे। सेवा सदा सत कर्म हमारा, सेवा सदा सत कर्म हमारा। जिन जिन बाणी जिनेन्द्र बाणी सुन लो भैया, जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3.9 करोड़ मिंडाजों की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की,
सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बाधनोजिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते, इसलिए हे भव्यात्मनु आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। संसार में सर्वत्र निमित्त हैं, पर जरूरी नहीं कि निमित्त ही उपादान को प्रभावित करें। उपादान यदि सशक्त होता है तो निमित्त कार्यकारी नहीं होते। एक विद्वान ने एक सूत्र लिखा पुस्तक के पृष्ठ पर। प्रथम पृष्ठ पर बलवा इंद्री ग्रामो विद्वान मपकर्षति। इसका अर्थ यह है कि बलवान इंद्रियां बलवान इंद्रियों का समूह बलवान है जो बड़े बड़े विद्वानों को आकर्षित कर देता है। वह विद्वान एक साधु महात्मा के पास पहुंचा और कहता है कि ये पुस्तक आप थोड़ा सा हमारी देख लीजिए। और पहले ही सूत्र में उस साधु ने जैसे ही पढ़ा तो क्या अब इसे समझ में आया? साधु महात्मा कहते हैं ये बात इसमें गलत लिखी है, इसको साफ कर दीजिए, इसको मिटाल दीजिए। तो जैसे ही साधु महात्मा ने बात कही बोले मैं तो यहां तक सोचता हूं, मेरी जहां तक सोच है कि सूत्र बिल्कुल सही है, लेकिन साधु महात्मा ने बात स्वीकार नहीं की और कहा कि इस शब्द को मिटाल दिया जाए, विद्वान की जगह मूर्ख लिख दो, मूर्ख लिख दो। लेकिन मैं कहां मानने वाला था, उस समय बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन 2 वर्ष तक वह वहां से दूर चला गया। कहां? बनारस की नगरी। वहां उसने रूप को अनेक रूप धारण करने वाली विद्या सीख ली और वैश्या के घर जाकर के उसने गाना सीख लिया। अब 2 वर्ष बाद लौटकर आता है, महात्मा जंगल में कुटिया में थे। देखो निमित्त और उपादान की बात चल रही है, निमित्त जरूरी नहीं है हर किसी को प्रभावित करे। अभी सुबह पढ़ रहे थे ना, देवों ने अनेक विद्याएं सामने प्रकट कर दी, माँ और पिता का धड़ भी सामने रख दिया, फिर भी रावण विचलित नहीं हुआ। क्यों? उपादान सशक्त था, उपादान में प्रबलता थी, इसलिए कुछ देव भी कुछ नहीं कर सके। ऐसे ही वह 2 वर्ष की विद्या सीखने के बाद पुनः उस जंगल में आया जिस कुटिया में साधु महात्मा रहते थे, जिन्होंने कहा था कि ये शब्द मिटाल दो, मूर्ख लिख दो इसके स्थान पर। अब क्या हुआ, कुटिया के सामने पहुंचने से पहले ही उसने अपना रूप बदल लिया, एक स्त्री का रूप धारण किया जो सर्वांग सुंदर थी, गाने में निपुण थी। और शाम का समय था, महाराज के पास बैठी, साधु महात्मा के पास, बोलती है इस घने जंगल में अब मैं कहाँ जाऊंगी। वो विद्वान बोल रहा है, ध्यान रखना अब यहाँ पर शब्द चेंज होंगे तो ये मत समझना क्या चल रहा है, लेकिन विषय समझना है। तो जैसे ही उसने कहा कि अब इसे घने जंगल में हम कहाँ जाएंगे, हमको अपनी कुटिया में निवास का स्थान दो, तो साधु महात्मा कह रहे हैं यहाँ हम पुरुषों को रहने रहने देते, आपको कैसे स्थान दे दें? बोले मैं तो आपकी बेटी के समान हूं, आप मुझे बेटी समझ कर रखो। साधु महात्मा ने कहा साधु पुरुष एकांत में जब स्त्री से बात नहीं करते तो तुम्हारे लिए कैसे स्थान दे सकते हैं।
उन्होंने बात पलट दी, अब बोलते हैं ये तो मानने वाली है नहीं। कुटिया बंद की और अंदर बैठ गए। उसने भी कह दिया मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, बोले यहीं रहेंगे हम तो आज। रात भर, शाम हो गई, रात भर हो गया, वहां बाहर बैठ गई। अब परीक्षा करना थी साधु की, तो जैसे ही रात के 10 बजे और सुनसान हो गया पूरा जंगल, अब उसने मधुर गान में गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गाना प्रारंभ किया क्या हुआ, साधु महात्मा के भाव विकृत हो गए, निमित्त ने प्रभाव दिखा दिया। अब जैसे ही बाहर आने की इच्छा हुई तो जो बाहर स्त्री थी उसने क्या किया, बाहर से साकर लगा दी, बाहर से साकर लगा दी। अब साधु महात्मा कहते हैं खोलो, मुझे बाधा है, लघु शंका की बाधा है, मुझे बाहर जाना है, खोलो खोलो। बोले जब मैं अकेली स्त्री हूं, अबला हूं, क्या पता तुम क्या कर दो। बोले मैं तो साधु हूं, तो मेरी बेटी के समान है, खोल दरवाजा खोल। अब साधु महात्मा को बिल्कुल सब्र नहीं रही, क्या हुआ, ऊपर की छप्पर खोल करके बाहर आ गए। बाहर देखा तो कौन था, कौन था, उसने अपना रूप द्वारा बदल लिया, रूप द्वारा बदल लिया और पंक्ति दिखाई, वही किताब सामने रखी और देखो बलवा इंद्री ग्रामो विद्वान मपकर सती। इंद्रियों का जब समूह जोर मारता है, बलवान होता है, तब विद्वान भी उससे आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बाजार से निकले अवरेल भाई, समोसे की दुकान थी, समोसे की दुकान थी, नहीं चाहते तो नहीं खाते। क्या समोसे ने कहा कि मुझे आकर खाओ, प्रभावित कौन हुआ, आप स्वयं ही प्रभावित होते हैं उन इंद्री विषयों से। कर्ण इंद्री ने कब कहा, पंडित जी कर्ण इंद्री ने कब कहा कि मुझे सुनो, मुझे सुनाओ, सुनाने वाला कौन, मेरी आत्मा ही आदेश देती है सुनने के लिए। बुरे भैया आपको आने के लिए किसने कहा, आप मन से आए हैं कि हमारे कारण आए हैं, तो रोज ही आकर बैठते हैं, दिन भर बैठते हो, यदि हम लोग यहां नहीं होते तो आते क्या। निमित्त ने प्रभावित किया है, लेकिन वह निमित्त कब प्रभावित होगा, जब आपका उपादान विकृत होगा। उपादान जब विकृत होगा तब प्रभावित करता है। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा, कहता है हमारे पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। तो महात्मा ने कहा इस वर्ष आपके संतान होगी, संतान होगी। सनत भैया ध्यान सुनना, क्या कहते हैं, संतान उत्पन्न होगी, लेकिन अब महाराज ने कह दिया है तो होगी। अब उन्होंने क्या किया, दंपत्ति ने 9 महीने का ब्रह्मचर्य ले लिया। अब बताओ 9 महीने बाद वे पुनः महात्मा जी के पास पहुंचे, बोले आपने तो कहा था कि संतान होगी, लेकिन महाराज ने पूछा तुमने क्या किया, बोले 9 महीने हम ब्रह्मचर्य से रहे हैं, 9 महीने हम ब्रह्मचर्य से रहे हैं, तो बताओ संतान कैसे उत्पन्न होगी। बिना निमित्त के उपादान भी कुछ नहीं कर सकता, और उपादान के बिना निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता, दोनों हैं। जो निमित्त अधीन हो रहे हैं वे भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो उपादान दृष्टि से जी रहे हैं वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। समझना विषय, क्या बंध्या के पुत्र होता है, होता है, क्या बंध्या के पुत्र होता है, नहीं होता। माना कि एक व्यक्ति
शादी करके आया और अब उसकी संतान उत्पत्ति होनी है। अब वो व्यक्ति कुछ क्षण बाद अब समाप्त हो गया। अब वो विधवा स्त्री है, क्या संतान उत्पत्ति कर सकती है बिना संयोग के? होगा क्या? नहीं होगा। बिना संयोग के संतान नहीं होगी, निमित्त चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो जीव आए हैं, पिचीका मंडलु शास्त्र क्या है? निमित्त मात्र हैं। आपके जो निज के परिणाम हैं, वही मोक्ष का कारण बनते हैं। साक्षात मोक्ष का कारण केवल निज का परिणाम है। पंडित जी इसलिए ध्यान रखना, वस्त्रों से उतारने से मोक्ष कभी नहीं हुआ। चाहे कोई भी हो, वस्त्र तो आप घर में भी उतार लेते हैं, लेकिन जिनकी वासनाएं उतर जाती हैं वे ही वास करते हैं सिद्ध शिला पर। इसलिए वासनाओं को उतारना है, वसन के साथ वासनाएं भी उतार लो तो होगा सिद्ध शिला पर वास। इसलिए विचार करना है। बलवान कौन है? इंद्रियां की उपादान, निमित्त की उपादान। कौन बलवान है आपके लिए? कौन बलवान है अभी? कौन उपादान के निमित्त बताओ पंडित जी, कौन बलवान है अभी? अपनी जगह नहीं है, अभी निमित्त हावी है। कर्म आपका निमित्त बना हुआ है, इसलिए आप आज इस स्थान पर नहीं है। क्यों नहीं है? चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए आज निर्गंध मुद्रा को धारण नहीं कर पाए हैं। अपेक्षाकृत लगाइए, हम कब मना कर रहे हैं? हम भी तो बातें कर रहे हैं निमित्त उपादान की। हाँ, बगैर निमित्त के काम होगा ही नहीं। चायत मुनि कर्म का जब तक उपशमन नहीं होगा, उपादान बैठा रहे कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे तो हमने भी उदाहरण दिया ना, रावण बैठा रहा, निमित्त कितने ही आए फिर भी उसको हिला नहीं सके। ऐसे ही आप एक बार ठान लो, कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात और कहनी है कि लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर, पार्षणा भगवान के ऊपर कमट ने उपसर्ग किया, तो निमित्त तो था लेकिन कार्यकारी क्यों नहीं हुआ? हम कहते हैं वो निमित्त ही नहीं है जो उपादान को प्रभावित ना करे। वो निमित्त है ही क्यों कहलाएगा निमित्त जब प्रभावित ही नहीं किया? आचार्य भगवान ने अष्टोपदेश भाष में बात लिखी है कि जो निमित्त उपादान को प्रभावित ना करे वो निमित्त ही नहीं है। सही है महाराज जी, वो निमित्ताभास व्यक्ति हैं, निमित्ताभास हैं। इसलिए विचार करना, उपादान अपनी जगह पर है, निमित्त अपनी जगह पर है, लेकिन बिना निमित्त और उपादान के कार्य कभी संभव होगा नहीं। इतना विचार करना है। निमित्त उपादान पर अपनी दृष्टि ले जाएं, कभी ये मत कहें कि दूसरा हमको दुखी कर रहा है, हम ही स्वयं दुखी हैं, दूसरे ने हमें कभी दुखी किया ही नहीं है। कर्म दुखी कर सकते हैं, पर दुखी होना ना होना ये हमारे ऊपर है। यदि ऐसा मानते हो निमित्त कर्म दुखी करते हैं, तो सभी संसार में दुखी होना चाहिए। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी कैसे हो गए? उन्होंने अपने उपादान को संभाला है, निमित्त को दूर किया है, कर्म दूर किए तभी तो अपने से दूर हैं, अपन से दूर हैं। इसलिए विचार करना, उपादान दृष्टि को साथ में लेकर के जब काम करेंगे, निमित्त को लेकर साथ में काम करेंगे, तो आपकी सिद्धि निश्चित होगी। कारण के अभाव में कार्य नहीं होता, कोई ना कोई कारण यहां है, इसलिए आप यहां पर हो। कारण क्या है? दिगंबर मुनि आपके नगर में आए हैं, कारण है
आप यहाँ दिख रहे हो सब कार्य है, आप इनसे प्रभावित हुए हो और हम आपसे प्रभावित हुए हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। ना होते तभी कक्ष में बैठे होते। आपने कहा देश न दीजिए, हम बोल रहे हैं आपकी मुंडी हिल रही है। पिनी भाई, पिनी देखो हाथ जुड़ गए। निमित्त ने प्रभावित किया किसको? किसको? आपके ज्ञान में वो विषय गया और आपने हाथ जोड़ दिए। क्यों जोड़े? आपका उपादान अब विकृत हुआ, निमित्त प्रभावित कर गया। इसलिए ये मत कहना कि हम निमित्त से ही काम करते हैं, हम उपादान से ही काम करते हैं, दोनों से काम चलता है। सिक्के के दो पहलू हैं, चित्त भी है और पट भी है। ऐसे ही संसार में रहना है तो निमित्तों को दोष दो, संसार से दूर जाना है तो उपादान को दोष देना। उपादान सशक्त, उपादान प्रबल हो जाएगा, निमित्त अपने आप दूर हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विचार कर लेना, जब तक हम अपने उपादान को नहीं संभालेंगे आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। सुखी रहना चाहते हो आज से प्रयास करो, निमित्तों से दूर हटना नहीं, हटना नहीं। निमित्त तो सब जगह मिलेंगे, नहीं मिलते क्या? मिल रहे हैं, लेकिन दुखी होना ना होना ये हमारे उपादान के ऊपर है। आप सभी अपने उपादान को संभालें, निमित्तों को दोष ना देकर केवल केवल उपादान पर दृष्टि रखें तो निश्चित रूप से आपकी सिद्धि उन सिद्धों के बीच में होगी जहाँ केवल अनंत सुख है, सुख है, सुख है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान।